नमस्कार, जीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी पटना में पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को जाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को जिंदगी और मौत से जूझ रहे मासूम के एम्बुलेंस को करीब एक घंटे तक रोक दिया। मासूम एम्बुलेंस में काफी देर तक बेहोश रहा और उसकी मां रोती रही। मामला राजधानी पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र स्थित ROB के पास का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन कर वापस पटना लौट रहे थे। इसी दौरान यहां पर एक मामला सामने आया है। पटना की पुलिस मुख्यमंत्री के काफिले को जाने के लिए सभी गाड़ियों को रोकी हुई थी, जिसमें एक एम्बुलेंस करीब एक घंटे तक फंसी रही। उस एम्बुलेंस में एक मासूम जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि फतुहा के एक निजी अस्पताल से उस बच्चे को लेकर पटना के अस्पताल में जा रहे थे, लेकिन पुलिस मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर सभी गाड़ियों को रोकी हुई थी। पुलिस को बताया भी इसमें इमरजेंसी पेशेंट है, लेकिन पुलिस नहीं मानी और एम्बुलेंस को रोके रखा।